एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा हानि और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके पास है। इसके बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम्पल 4.16 लास्ट एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करना है ऊर्जा हानि के आधार पे। इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर लाइक हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिए, मुझे गणना करनी है ऊर्जा हानि, और ऊर्जा हानि पढ़ने से पहले आप इससे जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट है आपके पास। आपने चालकों का संयोजन देखा था, दो चालक गोले दिए और ये क्या थे, अलग अलग, मतलब ये जोड़ा नहीं है। इसका आवेश Q1, धारिता C1, विभव V1, आवेश Q2, धारिता C2, विभव कितना V2। इसकी ऊर्जा कितनी होगी U1। ऊर्जा कितनी होगी बेटा, हाफ C1 V1। इसको ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ CV2। तो प्रथम के लिए क्या लिखा बेटा, हाफ C1 V1 2। द्वितीय की ऊर्जा कितनी होगी बेटा, U2, हाफ C2 V2 2। संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात ये दोनों चालक गोले थे, इनको हमने क्या किया था, एक चालक तार से जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद इसके बाद नया आवेश कितना था, Q1 और इसके पास कितना था, Q2, जिसको मैंने बोला था आवेशों का पुनः वितरण हो गया। धारिता वही रहेगी C1 C2, इनमें बदलाव नहीं होगा। इसका कारण मैंने समझाया था आपको, और इन दोनों के ऊपर एक उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा, कितना V। और इस उभयनिष्ठ विभव का मान कितना था, C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। संयोजन के पश्चात इन दोनों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो कुल ऊर्जा होगी हाफ C इक्वलेंट ऑफ V2। हाफ भाई, धारिता तो अलग है, इसकी C1 कितनी है, C2। लेकिन जैसे ही इस चालक तार से जोड़ेंगे, ये दोनों गोले अलग नहीं रहे, ये दोनों गोले क्या बनेंगे, एक निकाय। और जैसे ही एक निकाय बनेगा तो धारिता कितनी लिखी जाएगी, C इक्वलेंट गुणा विभव दोनों का एक है, इसलिए क्या लिखे सीधा V2। यहां से कितना लिखा जाएगा बेटा, 1/2 C इक्वलेंट अर्थात C1 + C2 गुणा V उभयनिष्ठ विभव का स्क्वायर करेंगे, तो C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2 का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ये क्या है, जोड़ने के पश्चात ये कौन सी बेटा, फाइनल। और संयोजन से पूर्व दोनों चालक गोलों की कुल ऊर्जा कितनी थी, इसके पास अपने आप में अलग ऊर्जा थी U1, इसके पास अलग ऊर्जा थी कितनी, U2। अगर मैं कुल की बात करूंगा तो इनकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इनिशियल, इसको मैं कितना बोलूंगा, U1 + U2, क्योंकि ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि, तो सीधा सीधा जोड़ सकते हैं U1 + U2। U1 का मान रख दो कितना बेटा, हाफ C1 V1 2। U2 का मान रख दो कितना, हाफ C2 V2 2। हाफ दोनों में क्या है, कॉमन, हाफ कॉमन ले लोगे तो बताओ प्रारंभ में ऊर्जा कितनी आ जाएगी, हाफ C1 V1 2 + C2 V2 का स्क्वायर। इतनी सेवा समझ आती, और अंत में इतनी ऊर्जा आपके पास होगी। अब ध्यान दीजिए, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए संयोजन से पहले इसके पास थी 200 जूल, इसके पास कितनी थी, 300 जूल, तो दोनों गोलों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, 500 जूल, 200 इसके पास, 300 इसके पास। लेकिन जैसे ही आप इस चालक तार से जोड़ेंगे तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और ऊर्जा का स्थानांतरण इस चालक तार के थ्रू होगा। जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो इस चालक तार के अंदर ऊर्जा की क्या होगी, हानि, क्योंकि विभव में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन और ऊर्जा के स्थानांतरण की वजह से ये तार गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, हानि। तो अर्थात संयोजन के पश्चात इनकी कुल ऊष्मा 500 नहीं होगी, 500 कुछ क्या होगी, कम होगी। उदाहरण के लिए मान लिया 498 जूल है, तो संयोजन से पूर्व कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, 500, संयोजन के पश्चात कितनी हुई, 498, हानि कितनी की हुई, 2 जूल की, और हानि किसमें के रूप में है, ऊष्मा के रूप में। तो ये जो 2 जूल हानि हुई, उस हानि के मान क्या करनी, गणना। तो बताओ हानि के मान गणना आपने कैसे करी, सर प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी थी वो, और संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा क्या है वो, घटा दो तो क्या आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी।
अर्थात मैं बोल सकता हूं ऊर्जा हानि कितना है, डेल यू लॉस वो होगा प्रारंभ में ऊर्जा कुल, यू इनिशियल दोनों की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात यू फाइनल, यू फाइनल। बस आपको कुछ नहीं करना, यू इनिशियल का मान रखना है, यू फाइनल का मान रखना है, एलसीएम लेना है और सोल्व करना है, तो आपके ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करना है, ध्यान दें, मैं मान रखता जा रहा हूं यू इनिशियल, यू इनिशियल का मान मैंने कितना निकाला, 1/2 सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस 1/2। यू फाइनल का मान कितना है, 1/2 सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू गुणा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बट्टा सी वन प्लस सी टू का क्या होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बाकी पूरे मान मिटा देता हूं मैं और इसको सॉल्व करूं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा है अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, इसको ऊपर वाले से साथ अलग स्क्वायर कर रहा हूं और नीचे वाले के साथ अलग से स्क्वायर कर रहा हूं, ये काम किया मैं। अब देखो ये सी वन प्लस सी टू, ये सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर, एक मान तो पड़ गए, अब कितना बचा, यहां भी 1/2 है, यहां भी क्या है 1/2, 1/2 दोनों में क्या है कॉमन, यहां चल रहा है सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस साइन, यहां क्या चल रहा है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर बट्टे में क्या बचा सी वन प्लस सी टू, इसके बट्टे में कितना मान लिया वाले मैंने एक, 1/2 एलसीएम कितना लूंगा सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू इससे गुणा करेंगे, सी वन सी टू गुणा करना है किससे, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अर्थात इस पूरे का स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं सी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू ए, ए का मतलब सी वन वी वन बी सी टू वी टू, कोई दिक्कत है क्या, ध्यान दो 1/2। अब सी वन पहले इस पूरी राशि से गुणा होगा, सी वन इससे गुणा करो, सी वन गुणा सी वन, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी वन इससे गुणा करोगे तो सी वन गुणा सी टू वी टू स्क्वायर, फिर प्लस अब सी टू गुणा करो तो सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, सी टू को सी टू से गुणा करूंगा तो सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस माइनस साइन को अंदर गुणा कर दो कितना हो जाएगा बेटा माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस के टू सी वन सी टू वी वन वी टू। देखो टू सी वन सी टू वी वन वी टू, यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपको कैमरे में दिख रहा है बेटा, बट्टे में क्या चल रहा है सी वन प्लस सी टू, ध्यान दें एक एक स्टेप ओपन करके सिखा रहा हूं, सी वन वी वन स्क्वायर से सी वन वी वन स्क्वायर कैंसिल आउट, सी टू वी टू स्क्वायर से सी टू वी टू स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां देखो सी वन सी टू है, यहां कौन है सी वन सी टू है और इस राशि में भी कौन है सी वन सी टू, तो सी वन सी टू तीनों में क्या है कॉमन जो बची हुई राशि है, तो 1/2 सी वन सी टू कॉमन आ गया, बट्टे में क्या चल रहा है सी वन प्लस सी टू, यहां क्या बचा वी वन का स्क्वायर, यहां क्या बचा वी टू का स्क्वायर और यहां क्या बचा माइनस के टू वी वन वी टू, ध्यान दें यहां पे 1/2 सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये किसका सूत्र है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहां से इसको क्या लिखेंगे बेटा वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, ये आया आपके पास एनर्जी लॉस डेल यू एल। तो दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा हानि सूत्र कितना होता है बेटा 1/2 सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सर क्या इसको हम लोग वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर नहीं बना सकते क्या, नहीं, क्योंकि आपने जब संयोजन किया तो आपने माना था वी वन बड़ा है और वी टू क्या है छोटा,
इसलिए बड़े से घटाओगे छोटा, इसलिए हमने क्या लिखा वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।